Hello dear students, today we will discuss a new topic from your unit 2. This topic is about teacher, classroom and students, which means teaching, learning, processing, process ke bare mein ye pura topic hai aaj ka aapka, jiska title hai Reducing Teacher Talk Time in the Classroom. Ye jo concept hai, ye bahut technical concept hai aur करंट कॉन्सेप्ट है. जहाँ पहले लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता था किसी भी लैंग्वेज टीचिंग के लिए या फिर किसी भी क्लास के लिए, जहाँ पर टीचर डोमिनेंस ज़्यादा होता था, यानी टीचर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी बोलते हुए, और बच्चों का जो रोल होता था वो सिर्फ एक इमिटेटर्स की तरह था या फिर वो एक लिसनर्स की तरह रोल प्ले करते थे. 98% टीचर क्लासरूम में लेक्चर देता था और बच्चे सुनते थे और उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो कुछ रिस्पॉन्ड करें या फिर वो कुछ एक्टिविटी करें. लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश में, बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, अप्रोचेस हैं, जिनको फॉलो करके हम जो टीचर टॉक टाइम है क्लासरूम में, जो टीचर जो पढ़ाते हैं उसको क्रिएटिव तरीके से किस तरह से पढ़ाएं ताकि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा हो और टीचर का जो टॉक टाइम है, बोलने का टाइम है, वो कम हो. एंड इसमें फोकस रहता है, अगर हम टेक्निकली बात करें, टीचर का जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान ऑफ अ टीचर शुड बी यू नो चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी सेंटर्ड. लर्निंग बाय डूइंग स्ट्रेटजी शुड बी देयर. बच्चे खुद से एक्टिविटी करें और उसको सीखें, बिकॉज इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, सो देर शुड बी मोर टाइम फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम. एंड टीचर should play a role as a guide, mentor and facilitator. Now let's talk about the strategies, how you can you know reduce the teacher talk time in the classroom. Kaise aap being a teacher apni classroom mein aapka jo talk time hai wo kam kar sakte hain. Sabse pehle strategy jo hai aapki wo rehni chahiye elicit or draw out, jiska matlab hai bachchon ko evoke karna taki wo कॉन्सेप्ट को खुद से समझें, और समझने के बाद जब टीचर उनको पढ़ा दें उसके बाद बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करें. टीचर उनसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं, न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूछ सकती हैं, सिनोनिम्स पूछ सकती हैं, मींस बच्चों को जो समझ आया है वो अपने ही लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर पाएँ. दैट शुड बी अ स्ट्रेटजी, ताकि जो टीचर टॉक टाइम है वो कम हो और बच्चे अपने एक्सप्लेनेशन, अपने आप को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ. एंड जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो बीइंग अ टीचर, ताकि जो आपका टॉक टाइम है वो क्लासरूम में कम हो और बच्चे ज़्यादा एक्टिव फील करें, खुद को निगलेक्ट फील ना करें. फॉर दैट यू कैन डू, यू कैन चेंज योर बॉडी लैंग्वेज. आप बीइंग अ टीचर अपनी क्लासरूम में बॉडी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अपने जेस्चर्स को ज़्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड बना सकते हैं. आप टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें. सो बींग इंग्लिश टीचर, आप कोई पोइम पढ़ा रहे हैं, वैन यू आर टीचिंग, वैन यू आर रिसाइटिंग अ पोइम और यू आर नरेटिंग अ स्टोरी और यू आर टीचिंग अ ग्रामर, यू शुड यूज़ मॉडल्स, टीचिंग एड्स, फ्लैश कार्ड्स एंड अदर थिंग्स. सो इस तरह से आप अपना जो टीचर टॉक टाइम है वो कम कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम बच्चों को इन्वॉल्वमेंट के लिए दे सकते हैं. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन. टीचर कैन यूज़ वेरी यू नो प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन. टीचर को अपना टॉक टाइम कम करने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं टीचर, विच इज़ इंस्ट्रक्शन. यू कैन इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स. आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर टीचिंग ग्रामर. ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड पे सिर्फ ग्रामर के रूल्स लिखते रहना लिखते रहना है. आप बच्चों को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मेक अनदर फाइव एग्जाम्पल्स योर सेल्फ. आप बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करवा सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं. और इसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका इकोइंग. इकोइंग यानी कि जो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है. आप बीइंग अ टीचर, बच्चों को जो बच्चे खुद से फील करके एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको सुनिए. फर्स्ट लिसन देम एंड आफ्टर दैट इफ दे आर रॉन्ग करेक्ट देम. अगर वो कुछ गलत आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या फिर एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं बोल रहे हैं,
तो आप उनको पहले सुनिए, फिर उनको करेक्ट करिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस. बीइंग अ टीचर यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस. फर्स्ट कंप्लीट योर लेसन प्लान. आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना लेसन कंप्लीट करके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल करिए. जैसे आप लेसन प्लान से पहले पीकेटी करते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को जज करते हैं, वहीं से ही बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है. और राइट फ्रॉम द एंड ऑफ द लेसन प्लान, जब आपकी क्लास ओवर हो रही होती है, तो भी आप बच्चों से इंटरेक्ट करिए. आप बीच बीच में क्वेश्चंस भी पुट करते हैं बच्चे, चाहे आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर लें और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर लें. यू कैन आस्क देम अबाउट पोएट, अबाउट पोएम, स्टेंजा, स्टोरी, ग्रामर, ऑथर, राइटर. डिपेंड्स ऑन यू. बींग अ टीचर डिपेंड करता है आपका जो लेसन प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल करिए. आस्क मोर क्वेश्चंस ताकि बच्चे खुद को इन्वॉल्व कर पाएँ टीचिंग एक्टिविटी में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन. ऑफकोर्स यू हैव टू यू नो एलिसिट और इवोक द स्टूडेंट्स. आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इवोक करना है. आप उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं. यू कैन गिव देम डिफ़िकल्ट वर्ड, जंबल वर्ड्स. आप उनको गेम खिलवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को अपना सकते हैं, जिससे बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो. अगर आप कोई प्ले पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्ले, आप इफ़ यू आर टीचिंग एन इंग्लिश प्ले, देन यू कैन आस्क देम टू इनेक्ट दैट. आप बच्चों को रोल प्ले करवा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टडी मैथड. You can use inductive method to teach new ideas. पहले बच्चों से प्रॉब्लम शेयर करिए या फिर आउटलाइंस शेयर करिए, फिर बच्चों से यू कैन कम्युनिकेट. आप उनसे कम्युनिकेट करिए और उनसे कुछ नया निकालने की कोशिश करिए, ताकि वो खुद से जो सॉल्यूशन को डिस्कवर कर पाएँ. आप एक आउटलाइन से फ्रेम करिए उनके लिए. सपोज़ यू आर नैरेटिंग अ स्टोरी, या बच्चों को कोई स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं, आप एक रफ सा करेक्टर्स उनसे डिस्कस करिए, सिचुएशन डिस्कस करिए, और उनको आप बोल सकते हैं मेक अनदर सिमिलर स्टोरी. सो इस तरह से एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्लासरूम में, और डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं. एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं आप उनसे, फीडबैक. नेक्स्ट इज फीडबैक. एंड फीडबैक मीन्स वेरी एक्टिव रोल है ऑफ फीडबैक, एज वी कैन से, बिकॉज फीडबैक बहुत ज़रूरी है किसी भी लर्निंग में. फीडबैक जो है एक मोटिवेशन का काम करती है. सपोज स्टूडेंट आपको कुछ आंसर दे रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है, यू कैन गिव देम फीडबैक. और यू कैन मेक ग्रुप्स. आप बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं, और एक टीम को आप कुछ भी इलेक्ट करने को बोल सकते हैं, और नेक्स्ट बच्चों से फीडबैक आप ले सकते हैं. आप बच्चों को ही इन्वॉल्वमेंट करवा के, एक्टिविटी करवा के बच्चों से पूछ सकते हैं कैसा रोल इलेक्ट किया. कम्युनिकेशन शुड बी इन इंग्लिश. कम्युनिकेशन मैथड के थ्रू, डायरेक्ट मैथड के थ्रू आप इसमें टीच कर सकते हैं. एंड फीडबैक भी प्रोवाइड करवा सकते हैं. स्टूडेंट को ही फीडबैक इसमें दे सकते हैं. कोई क्विज करवा सकते हैं आप बच्चों को ही. आप सिर्फ एज अ मेंटर और स्पेक्टेटर वहाँ पर अपना रोल लिमिट कर सकते हैं. बच्चों को ही स्कोर करने को कहिए. यू कैन आस्क देम टू यू नो मेक सेंटेंसेस, जंबल वर्ड्स, अदर क्विज क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज. डिफरेंट पोइट्स के बारे में आप उनसे क्विज बनाने को कह सकते हैं. नेक्स्ट इज लेसन प्लान्स, सॉरी साइलेंस. साइलेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर. यू कैन गिव देम फ्यू टाइम फॉर थिंकिंग. आप अगर आपको लगता है कि योर लेसन इज कम्प्लीट एज वी डू इन द लेसन प्लान्स, साइलेंट रीडिंग का हम टाइम देते हैं, तो आप बच्चों से बोल सकते हो दिस इज ऑल फॉर द डे, और ऑल अबाउट द पैराग्राफ, ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, नाउ यू कैन डू साइलेंट रीडिंग. सो उससे क्या होता है, बच्चे खुद से पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, विच मीन्स दे आर एक्टिव. वो किसी एक्टिविटी में बिजी हैं. साइलेंट रीडिंग इज ऑल्सो एज एन एक्टिविटी. नेक्स्ट इज लेसन प्लान्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट वन इज लेसन प्लान. आप अपने लेसन प्लान को
ट्राई टू प्रिपेयर योर लेसन प्लान वेरी थरली एंड वेरी यू नो टेक्निकली. बींग इंग्लिश टीचर आपको डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स करवाए गए हैं, आप उसके थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्ट्रेटजीज करवाई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द कंटेंट, किस तरह का आप पोइम पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं या प्रोज पढ़ा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट. उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेसन प्लान शेड्यूल करिए, बनाइए और जितना जितना ज़्यादा हो सके उसमें टीचिंग एड्स को यूज़ करिए. चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आप एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को बुला के. कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट बच्चों को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, सिंपोजियम करवा सकते हैं आप, पोइट्री रिसाइटेशन भी हो सकती है क्लासरूम में. इस तरह से अपने लेसन प्लान को ज़्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाइए, जिस तरह से सो दैट यू कैन यू नो रिड्यूस द टीचर टॉक टाइम इन द क्लासरूम. सो वी कैन कंक्लूड हियर लाइक दिस, देर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज विच कैन रिड्यूस टीचर टॉक टाइम इन द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल, बाय ड्राइंग आउट बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टेकिंग देयर रिस्पॉन्स, चेंजिंग द, यू कैन चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, यू कैन यूज योर बॉडी लैंग्वेज टूवर्ड्स ड्राइंग आउट समथिंग ऑन द बोर्ड, और आप बच्चों को मॉडल्स एग्जिबिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उनके रिस्पॉन्स को सुन सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे, यू कैन आस्क देम टू पार्टिसिपेट, उनसे इनेक्ट करवा सकते हैं कुछ भी, न्यू न्यू मैथड्स रीच करवा सकते हैं, फीडबैक ले भी सकते हैं और देख भी सकते हैं बच्चों को, और साइलेंट रीडिंग करवा सकते हैं बच्चों से आप. अपने लेसन प्लान्स को मोर ओवर एक्टिविटी बेस्ड आप बना सकते हैं. So these all are the strategies which helps to reduce teacher talk time in the classroom and which results best teaching learning process of English language. Okay, now students, you have to make an assignment on this topic. Question is, write a note on reducing teacher talk time in the classroom and explain the various strategies to reduce teacher talk time in the classroom. आपको इसको बहुत अच्छे से define करना है एंड स्ट्रेटजीज को अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 15 जून 2020. आप इसको ईमेल करेंगे मेरी ईमेल आईडी पे विच इज़ गिवन हियर. और जिन बच्चों की पिछले असाइनमेंट्स रहती हैं वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी और मेरी ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर दीजिए.